आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। फतेहपुर में जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला घोषणा पत्र जारी किया गया, जहां महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमलता पटेल, जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और महिलाएं उपस्थित रही। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। शक्ति विधान नाम से जारी इस घोषणा पत्र मंद सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। फतेहपुर से ये खबर सामने आई है, जहां पे ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। लगातार महिलाओं को साथ लेकर चलने की बात कर रही है कांग्रेस, और इस बार भी यही किया गया है। फतेहपुर में जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला घोषणा पत्र जारी किया गया है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमलता पटेल, जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और महिलाएं उपस्थित रही, जहां प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। तो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस साथ ही प्रियंका गांधी कई घोषणाएं कर रही हैं महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी आरक्षण देने के लिए, और आगामी चुनाव में महिलाओं का सहारा लेकर चलती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर से ये खबर सामने आई है, जहां शक्ति विधान नाम से जारी इस घोषणा पत्र मंद सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण के साथ ही महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन और शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। अलग से घोषणा पत्र जारी किया गया है महिलाओं के लिए। फतेहपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पे कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए महिलाओं को लुभाने का काम कर रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कांग्रेस की तस्वीरें हैं ये। देवरिया सदर ब्लॉक के ग्राम परसरिया भंडारी में कुर्मी समाज के सभी उपजातियों की बैठक, गोष्ठी और आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कुर्मी सेंधवार की आरक्षण से छेड़छाड़ की निंदा की गई है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में सेंधवार मल्ल नाम से मौजूद आरक्षण में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देवरिया से ये खबर सामने आ रही है, कुर्मी समाज ने आयोजन किया है। कुर्मी समाज के आयोजन की तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, किस तरह से देवरिया सदर ब्लॉक के ग्राम परसिया भंडारी में कुर्मी समाज के सभी उपजातियों की बैठक और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कुर्मी सेंधवार की आरक्षण से छेड़छाड़ की निंदा भी की गई, और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया गया कि पूर्व में सेंधवार मल्ल नाम से मौजूद आरक्षण में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मल, कुर्मी, पटेल सेठवारों के साथ मिल बैठ के एक विचार गोष्ठी हो कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हम सरकार में किस तरह से अपना योगदान करें। देवरिया नगर पालिका परिषद स्थित पंडित दीनदयाल सभागार में पत्रकार एकता के तहत सम्मेलन में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वमित्र के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम में पदाधिकारियों को मोमेंटम एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जायसवाल समाज के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल और साथ ही कार्यक्रम में कांग्रेस युवा नेता पवन शर्मा भी मौजूद रहे। देवरिया से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। देवरिया नगर पालिका परिषद स्थित पंडित दीनदयाल सभागार में पत्रकार एकता के तहत इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पे सम्मान किया गया लोगों का, और जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वमित्र के नेतृत्व में की गई। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी पत्रकार बंधुओं को, कार्यक्रम पार बढ़ाते हुए इस लायक समझा हमारे सम्मेलन में बुलाया,
और जिस तरीके से आप लोग अपने क्षेत्र में दिन रात। फरुखाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट के दावों की पोल खुलती नजर आई है, जहां शीत लहर के प्रकोप से गरीब ठिठुरने को मजबूर हैं। रैन बसेरों में गरीबों के लेटने के लिए जगह तक नहीं है, गरीब सड़क किनारे जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी मिठाई और कंबल बांटकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई है फरुखाबाद से, जहाँ सिटी मजिस्ट्रेट के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से गरीब व्यक्ति आग से अपना काम चला रहे हैं और खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। शीत लहर के प्रकोप से गरीब ठिठुरने को मजबूर नजर आ रहे हैं। रैन बसेरों में गरीबों के लेटने के लिए जगह नहीं है, गरीब सड़क किनारे जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी मिठाई कंबल बांटकर फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रैन बसेरों की व्यवस्था जो है वो गरीबों के लिए नजर नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? फरका रहने वाले। आप यहाँ पे कहाँ हैं, किस जगह पे हैं अभी? अभी यहाँ पे हैं रामीले गड्ढे में। अच्छा, यहाँ किस जगह पे हैं? अभी यहाँ पर गड्ढे पे। पसड्डे पे, मेन रोड पे, यहाँ लाल गेट। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे आप अभी आग ताप रहे हैं, तो अलाव वगैरह व्यवस्था नहीं है, सर्दी है, तो आपको नहीं लगता है अलाव व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन तरफ से? अभी आप आग ताप रहे हैं, आपने क्या जलाया है? पन्नी जलाई है। और अलाव व्यवस्था होती तो ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो अलाव वगैरह की व्यवस्था पहले हुई थी? नहीं, नहीं होती है। और ये ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये किस जगह की है सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, और कितने बजे की है? जी, ये तस्वीरें रात्रि 12:30 बजे की हैं और बस स्टेशन की हैं। बस स्टेशन के समीप मेन जो चौराहा है, लाल गेट दरवाजे, वहां की तस्वीरें हैं। प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि रैन बसेरा बना दिया गया है और सभी गरीब और जो भी रिक्शा चालक है उन सभी के लिए रैन बसेरे में व्यवस्था है। लेकिन जब प्राइम टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पे जाके रियलिटी चेक किया, तो वहां पे पाया गया कि रैन बसेरे में जगह नहीं है और बस अड्डे पे ही कुछ लोग जमीन पे पन्नी बिछाई हुए लेटे हैं। और जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा है कि प्रशासन कहता है कि अलाव की हर जगह व्यवस्था कर दी गई है, अलाव के लिए हर जगह पे लकड़ियां उपलब्ध करा दी गई, लेकिन ये लाल के चौराहा मेन चौराहा है, यहाँ पे लोगों का आगमन भी रहता होगा। आपने देखा होगा लोग पन्नी जला के ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, शीत लहर का प्रकोप है और पन्नी जला के उनको अपनी ठंड दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें नाकाफी है। प्रशासन की तैयारियां बिल्कुल जो जमीनी स्तर पे वो एक तरीके से दिख ही नहीं रही है और प्रशासन की तैयारियां सिर्फ हवा हवाई है। जी, तो क्या सिर्फ इस बस स्टेशन के पास में रैन बसेरे और अलाव नहीं दिख रहे या फिर बाकी जगह का हाल भी है ये सुंदरम? जी, बस स्टैंड पे रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको समाहित कर पाए। और आसपास की तो हालत बहुत बुरी है, बस स्टेशन थोड़ा सा वहाँ पे कनेक्टिविटी रहती है तो वहाँ थोड़ी बहुत व्यवस्था की गई है, लेकिन वहाँ पर भी व्यवस्था नाकाफी है और बस स्टेशन पे ही लोग टेबल पे और बेंच पे लेटे हुए और एक पतली सी चादर ओढ़े या पन्नी ओढ़े हुए वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ठंड में सिकुड़ रहे हैं। और बाकी अन्य जगहों की तो हालत बहुत ही खस्ता हाल है। जी, तो क्या ये तस्वीरें अधिकारियों तक नहीं पहुँच रही है? जो अधिकारी है उनको क्या इस बारे में जानकारी नहीं है कि अभी भी ये जो रैन बसेरे बनाए गए बहुत छोटे हैं, इसमें सभी लोग आ नहीं पा रहे, क्या इसकी शिकायत की गई है? जी, अधिकारियों को जानकारी है लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अधिकारी अभी इन चीजों को ऐसा लगता है कि नजरअंदाज करने के मूड में है। जी, तो अभी आने वाले समय में ठंडक और बढ़ेगी, तो क्या लगता है कि इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? ये जिस तरह से लापरवाही सामने आ रही है उससे कई लोगों की जान भी जा सकती है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो इस ठंड में पैसे खर्च करके कई जगह पे नहीं ले सकते, तो रैन बसेरे होना जरूरी है। क्या कहेंगे इस पे? जी, रैन बसेरों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, रैन बसेरों में अधिक से अधिक लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और रात्रि में ये जांच पड़ताल भी होनी चाहिए कि क्या उनमें सुव्यवस्थित रूप से चीजें सही हो रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहा गया है कि जब वो रैन बसेरे में लेटने के लिए जाते हैं वहां मना कर दिया जाता है। जैसे कि आप वीडियोज में देखेंगी, एक व्यक्ति ने बताया है कि वो बस स्टेशन पे ही जमीन में लेटा हुआ, तो कह रहा है कि मुझे वहां पर मना कर दिया गया इसलिए मैं यहां पे लेटा हुआ हूं। तो इन चीजों की भी वहां पे जांच करनी चाहिए, रात्रि में अधिकारियों द्वारा वहां पे जांच होनी चाहिए कि क्या जो चीजें दी गई हैं वो सुव्यवस्थित रूप से सुचारू हैं कि नहीं है। और बिल्कुल मैं कहूंगा कि रैन बसेरों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि सर्दी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे दिखते होंगी और ग्रामीण जो गरीब व्यक्ति है वो अपना पेट भरेगा या अपने लिए घर की व्यवस्था नहीं कर सकता है, जो रिक्शा चालक है उनके लिए ये सब चीजें करवाना बहुत ही मुश्किल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से।
फतेहपुर में साइबर क्राइम सेल का सराहनीय कार्य सामने आया है, जहां साइबर क्राइम सेल ने ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों के कुल 1,61,298 रुपए पीड़ितों के खाते में वापस लौटाए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने अपील करते हुए कहा है कि फोन पे, गूगल पे या अन्य किसी यूपीआई ऐप पर किसी के द्वारा रिफंडिंग जैसे मैसेज के लिंक या फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, इससे आप साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। तो लगातार ओटीपी शेयर करने को मना किया जाता है और जो मैसेजेस आते हैं उन पे एक्शन नहीं लिए जाने की बात कही जाती है कि आप इस पे प्रतिक्रिया ना दें वरना आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग जागरूक नहीं होते हैं वो इस तरह के कदम उठाते हैं और इस तरह के मैसेजेस का जो है यूज करके साइबर क्राइम के ठिकार साइबर क्राइम के शिकार बन जाते हैं। और यही खबर फतेहपुर से सामने आई, जो साइबर क्राइम सेल का सराहनीय काम सामने आया है। साइबर क्राइम सेल ने ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों के कुल 1,61,298 रुपए पीड़ितों के खाते में वापस लौटाए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने अपील करते हुए भी ये भी कहा है कि फोन पे, गूगल पे या अन्य किसी यूपीआई ऐप पर किसी के द्वारा रिफंडिंग जैसे मैसेज या फिर लिंक जो रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट ना करें, इससे आप साइबर अपराध के शिकार बन सकते हैं। देवीगंज भिखारीपुर फतेहपुर निवासी हूँ। मेरे अकाउंट से 1,46,586 रुपये कट गए थे। मैंने अप्लीकेशन साइबर क्राइम में दिया था, जिसके तहत अथक प्रयासों द्वारा मेरा 1,17,000 रुपये वापस कराया गया है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ और सभी लोगों को बहुत सारा बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम लालमन है, सरायदय ग्राम है, थाना थरिया हूँ। मैं साइबर सेल से प्रार्थना पर दिया था, उसमें 47,000 धोखाधड़ी से कट गए थे। मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है। 2 दिसंबर 2021 को मेरे खाते से 35,690 रुपये काट लिए गए, जिसके तहत मैंने तुरंत साइबर थाने को सूचित किया और साइबर टीम के अथक प्रयास के बाद मेरा। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं। अमरदीप, 1,61,000 की जो ये राशि है वो क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति की है जो लौटाई गई है या फिर कई व्यक्तियों के साथ ठगी हुई थी जिनके खाते में पैसे वापस लौटाए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो 1,00,000 समथिंग से अब जो रकम है वो एक ही व्यक्ति की नहीं है, कई लोगों की कई व्यक्तियों की रकम है। और देखा जाए तो साइबर अपराध जो इस समय पूरी तरीके से अपनी चरम सीमा पर है, उस पर लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा बराबर ये लोगों को जो है एड के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप किसी जो है उसमें झांसे पे ना आए। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे कि पुलिस प्रशासन भी परेशान है और जो साइबर अपराधी हैं वो पूरी तरीके से उनका एक ही मकसद है कि हम जो है लोगों को ठगेंगे। तो अब साइबर क्राइम का जो सराहनीय कार्य सामने आया है, तो लास्ट मंथ में भी एक तरीके से लगभग 3-3.5 लाख रुपए का मामला था जिसको कई लोगों की जो रकम उसमें फंसी हुई थी उसको भी वापस करवाया गया है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो 4 लोग ऐसे हैं जो साइबर अपराध की जो है ठगी के शिकार हुए हैं, तो उसमें कई लोगों की रकम ऐसी है जो लौटाई गई है। जी अमरदीप, जागरूकता के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो इसके बाद लोग कहाँ पे, जो पीड़ित हैं वो कहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ से उनको उनकी सुनवाई हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये ठगी का शिकार हो जाते हैं और बराबर जागरूकता का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसकी जो कंप्लेन है अपने पास के थाने पे दे सकते हैं। इसके बाद जो है अगर वहां से कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो इसमें समय सीमा है कि अगर आपके साथ ठगी हुई है तो विद इन 3 डेज में, यानी 3 दिनों के अंदर आपको साइबर क्राइम पे या पुलिस कप्तान को या पास के थाने पे या पास की चौकी पे आपको सूचना देनी होती है। ये है पूरा मामला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता अमरदीप जुड़े थे। फतेहपुर में भारत की पहली महिला बाउंसर मेहरू निशा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इंडिया की पहली लेडी बाउंसर बनने के वक्त अप्रत्यक्ष रूप से समाज ने उनका विरोध किया, लेकिन मां और पिता का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ बातचीत की। आइए हम इंडिया की पहली लेडी महिला बाउंसर मेहरू निशा से मिलवाते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा, उनके सामने से कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने कैसा
प्रोफेशन चुना। प्रोफेशन चुनने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, वो आज इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर बन गई। और अभी तक उनके जीवन में कौन सी ऐसी उनकी याददाश्त घटना रही जो उनके लिए यादगार बनकर रह गई, आइए हम मिलवाते हैं आपको। आइए हम बात करते हैं मेहरून निशा जी से। मेहरून निशा जी नमस्कार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पूरा नाम, कहाँ की रहने वाली हैं और इस समय वर्तमान समय में क्या कर रही हैं आप? मैं सहारनपुर गेट से बिलोंग करती हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक लेडी बाउंसर का ड्यूटी करती हूँ। 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा है तो मेरी ड्यूटी, मतलब जहाँ मैं जॉब करती थी वो भी रेस्टोरेंट बंद है। और मैं अभी इवेंट वगैरह कर रही हूँ, कोई भी इवेंट आता है तो लेडी इकट्ठी करके 8, 10, 15, 20 बाउंसर या 100 बाउंसर जितनी भी होती है वहाँ भेज देती हूँ। हाल ही में मैंने सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्ट की है, सिक्योरिटी कंपनी मैदानी बाउंसर के नाम से, वही चला रही हूँ। तो आखिरकार मेहरून निशा जी, ये बताएं आप मुझे कि ये जो आपने जॉब चुना, इसके पीछे क्या कारण रहा जो आपने इस जॉब को ही अपनी जिंदगी की प्राथमिकता बना दी, ये भी बताएं। मुझे बाउंसर बनने का तो इतना सपना ही नहीं था कि मैं बाउंसर बनूंगी। एक्चुअली क्या था ना, मैं आर्मी या पुलिस ज्वाइन करना चाहती थी। बचपन से ही लड़ने झगड़ने का, मारपीट का शौक रहता था मुझे। तो ऐसा था कि जब बाउंसर का मैंने जेंट्स बाउंसर को देखा तो मुझे लगा कि हाँ वाकई में जो कुछ है। तो मैंने पूछा सर से, मेरे एक भैया थे उनसे कंफर्म किया, मनोज सर थे, मनोज सर को देखा, वो इतनी लंबी चौड़ी बॉडी ये सब। तो मैंने कहा क्या भैया मैं भी बन पाऊँगी बाउंसर? तो मनोज सर ने बोला हाँ क्यों नहीं, आप बाउंसर की ड्यूटी क्यों नहीं कर पाओगे। तो ये सब 2004 की बात है, मैं उस टाइम 10th क्लास में होती थी। फर्स्ट इंडियन आइडल का मैंने इवेंट्स किया था। पहले मैं सहारनपुर में रहती थी और इवेंट करने के लिए 10 दिन के 15 दिन के मैं दिल्ली में आती थी। रेगुलर ड्यूटी नहीं थी उस टाइम, लेडी बाउंसर नहीं होती थी, सबको सिक्योरिटी गार्ड ही बोला जाता था। जितनी भी लेडीज थी सेम यूनिफॉर्म होती थी, हमारे सेम काम होते थे, लेकिन हम लोगों को बोला सिक्योरिटी गार्ड ही जाता था। तो आपने देखा कि हमने आपकी मुलाकात इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर मेहरून निशा से मिलवाया। उन्होंने अपने जीवन के कट अनुभवों के बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारी चीजें खुल के बताई। उनका तो कहना यह भी था कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर बनी, ये तो मुझे मीडिया के द्वारा ही पता चला। चलिए हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कैमरा मैन नीरज के साथ अमरदीप त्रिपाठी, प्राइम टीवी फतेहपुर। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं। अमरदीप, जिस तरह से पहली महिला बाउंसर बनी है तो इनके जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है मेहरून निशा को? जी बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप शिखा जी। और मामला यह है कि अभी तक तो हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि जेंट्स ही बाउंसर बनते हैं, और ये कि एक इंडिया की पहली महिला लेडी बाउंसर बनी है जिनका नाम मेहरून निशा है, ये वास्तव में एक अपने आप में जो है इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कि क्योंकि जो आज के जमाने में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यसन हो रहे हैं, छेड़छाड़ की जैसी घटनाएं हो रही हैं, अगर मेहरून निशा जी जैसी इस प्रतिभा से अगर महिलाएं कुछ अपने को जो है कुछ उनके विचार ले सके, तो मैं समझता हूं कि जो आज समाज में क्राइम बढ़ रहा है उस पर इनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, महिलाओं को जिनके साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। अब बात आती है कि आखिरकार लेडी बाउंसर बनने के पीछे इनका मकसद क्या था या इनके साथ कितनी कठिनाइयां आई। तो देखिए जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बेबाकी से खुल के बातचीत बताया कि समाज ने हमें लेडी बाउंसर बनने का जब उनको लोगों समाज को पता चला तो जरूर अप्रत्यक्ष रूप से एक विरोध सामने आया। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ इनका कहना यह है कि हमारे माँ और पिता ने हमारा सहयोग किया और उस सहयोग का नतीजा ये हुआ, और जिसमें उन्होंने एक घटना को हमारे साथ शेयर भी किया उन्होंने कि मैं अपने छत पे खड़ी थी, नीचे कुछ लोग महिलाओं को परेशान कर रहे थे, तो मैंने छत से उतर करके उन 3 जो गुंडे उनकी महिला को छेड़छाड़ कर रहे थे, मैंने उनकी पिटाई भी किया। जी ऐसा मेरा तो घटना से इंस्पायर होके उन्होंने ये रास्ता चुना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से। औरैया के अरवा कटरा थाना क्षेत्र में प्राचीन जाहरवीर बाबा का मंदिर प्रसिद्ध है, जहां मेले का आयोजन होता है, जहां दसियों हजार की संख्या में लोग आते हैं। लोगों का कहना है कि यहां सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। वहीं बता दें कि मेले में 4 साल का मासूम बच्चा गुम हो गया था, जिसे पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित ढूंढकर उसके माता पिता से मिलवाया।
फतेहपुर के बकेवर कस्बे की एक विद्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के आयोजन का विषय जल और कल रखा गया है। बिंदकीप के उप जिलाधिकारी ने दीप को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण का कार्यक्रम भी हुआ। इस कार्यक्रम में मौसम विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध दुबे ने जल संचयन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारी भारी संख्या में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। इस दौरान किसान की कर्ज माफी से लेकर ट्यूबवेल की बिजली को फ्री करने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन का सीधा संदेश यही है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम किसानों का डेरा डालकर लोकतांत्रिक प्रणाली से अपनी बात रखने के लिए बैठे रहेंगे। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। तो रेल की चपेट में आने की वजह से ये हादसा हो गया है, जिसमें मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।